बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साडी दुआ कि साडे बहन भी अल्लाह ताला खुश रखे, शादो बाद रखे, इस दुआ नाल करदे आज दी वीडियो शुरू। आज दी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जी गुजारिश, करे बहन भी मेरा चैनल अस फिर सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल अस फिर सब्सक्राइब कर लो, तो बैल का बटन लाजमी प्रेस कर लो, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तेरे तक बार वक्त पहुँचती रहे। करते हैं जी अज की वीडियो शुरू। अज काम से तो मैं नहीं जा सकिया है, काम तो इस तरह नहीं गया कि रात फिर मेरे बेटे की काफ़ी तबीयत खराब हुई है। सारी रात नहीं मैं सुता है, अब मैं भी नहीं सुता तो ये भी बेचारा नहीं सुता है। फिर सुबह उठे हैं, कहते से पापा मेरे कान च दर्द होती है, रात भी दवाई पाते रहे कान के, तेल भी एक बुढ़िया टोटके होंगे भी कान केल तो लसन जोड़ा साड़ के तेल के कतरे पाए जा कान कान की दर्द हट जाती है, लेकिन कोई नहीं फर्क पिया है। फिर मैं लैके अज सुबह शहर गया डॉक्टर साहब को, कान चेक करवा के आंदा है, तो बुखार तो कुछ मठा होया वा, लेकिन कान की दर्द जी वह भी काफ़ी फर्क पिया। शहर गया हुआ शहरों लै गया इन्होंने वास्ते जलेबियाँ, जहर भी बैठा वा, रमी बैठी जलेबियाँ खा रही मेरी थी। भाई उठ के बो बुत उच मेरा छोना बुखार हो गया, फिर है बुखार तो फिर हो गया वा। चलो उठ थोड़ी जलेबियाँ खा उठ के। हाँ जी ठीक है, जहर जहर भी दो जलेबियाँ। अच्छा मेरे पौधे चेहरे से रौनक आई है, उदन लड़ते रहे जी तो समान चकते रहे हैं, तो लड़ाई के बच्चे दिल छड गया जरा, बस तो टेंशन लै गया भी मेरे पापा ने लड़ते सारे, इस करके दूजे दिन ही आता इतने घर बीमार हो गया। कोई गल नहीं पुत, अम्मी को मिलने गई तो फिर की हो गया, देखिया जी इन्ना बच्चे के जहन पर असर पिया कि उधर जान तो भी नफरत करता, कहना पापा मैं उधर नहीं जाना है। हाँ जी तुसी खा लो जा रहे, जलेबियाँ खाता सी तुसी भी, जलेबियाँ खाते सीगे बोलते नहीं गए, जलेबियाँ खाते सी खा लो, अपने हाथ नाल ही चीज़ खाता जी, कहता है मैं चीज़ जी कोई खुआवे तो नहीं खाता है, आप फड़ के नहीं चीज़ खानी है। जहर ने रमरानी भी आप ही मछला खा लेंदी है, तो मैर भी आप ही जी शायद खानी, इन्हें भी आप ही खानी है। मैर पुत जलेबियाँ खा ला, फिर तेन मैं दम करवा के लियावगी, तो है नज़र भी लग गई है तो दिल का भी बहुत थोड़ा जी, उदन जिदन का समान चक के लिया उदन का दिल छड़ के पिया हुआ, बस जो भी रात होंगी कहना पापा आप उधर नहीं जाना है, पापा आप उधर नहीं जाना, बस एक ही दिन चे गल बह गई है कि पापा आप उधर नहीं जाना है। टाइम तकरीबन 5:35 हो गए साढ़े को, सैटिंग माशाल्लाह देख लो जी कमरे की मेरे दी, सैटिंग सारी मुकम्मल है, कुछ अज सैट किया, मेज़ नवा लिया, इतने घर वाले ने बेचना सी, कहते असं मेज़ बेचना वा, तो उन्होंने को ले लिया सी, चलो कपड़े भी इस्तरी करा करांगे, तो जो मेहमान आया गया मेहमान भी खाना छाना भी मेहमान बंदा खवा सकता। फुल बचे सके जे उ घर गुलदस्ते लगे से उन्होंने उतारे से, चाक के आसियन इतने ला दते, चलो ये भी चंगा किया। यार किचन के बच्चे तो उदा ही खिलारा पिया हो, काफ़ी भैन भैया ने कमेंट किए कि अस भाई किचन के रश घटाओ। हाँ जी सही है, मेरे वास्ते चाय चलो काफ़ी भैन भी कमेंट आए कि अस भाई एक तो किचन चो रश घटावो, तो दूसरा ना किचन के सलफ सलफ जी पई हुई ना स्लैब, ये उपर शीट वगैरह पाओ लिया के, जहाँ तो अखबार पा लो ये उत्ते अखबार रोजाना चेंज कर दी, तो या फिर शीट लिया के रख लें। हरम दा इलाज जो सैटिंग जो सारी करने वाली पई है,
बस जब तक हो गए ना बच्चे बीमार हो गए इस करके सैटिंग नहीं कर सकते है कर सके है मैर तो दिल छट गया ना बस अच्छा जी हाँ जी चलो शुक्र है मंजे तो थले आया बेचारा है जेड़ा चलो मैं बनाना वा तुसी ना करो मुंगरे बनाए मैर नू पानी दियो मुंगरे बनाने लगे आलू आलू सब बनाना लगे चलो बनाओ तो मैं ना बनाना वा सब हांडी पानी दो मसाला वगैरह सारा बिच पा दिता जी हांडी दे आसिया ने तो मैं खड़ा होके मसाला भुन लैना वा तब तक मैं फिर पानी मांग रहा वो पानी दे दी है काम तो जा नहीं सके है क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं ठीक है कि फिर कली को एक रोंदा तो मुड़ के दूसरा रोन लग पा समझते नहीं है बच्चों की तबीयत सैट हो जाती है तो फिर काम तो जाया करा करना शुरू कर दें काम काम इस हफ्ते तकरीबन काफ़ी डिस्टर्ब हो गया काम मेरा चलो सही है जलेबियाँ मैं ले लैंना वा असि उत्थे भी खा के आए लोहरी भाई से आबद भाई से नाल खाना सोना वाला करके बनाया जे अज बहुत ही स्पेशल यूट्यूब पर मेहमान आने अपने घर शाम कहते शाम आवांगे भाई उन्होंने आना शाम नू आने कहते शाम अस खावे मैं चलो भाई ठीक है शाम चलो सही है हाँ जी चाय बना लो तो फिर खाना बनाओ चलो सही है मसाला तैयार हो गया मुंगरे ना मैं काफ़ी देर तो रखे तो मैं खाने पानी पा के ना तेना धो लेंगे ना यार किचन की साफ तो पहले सफाई करो सब हम मैं मास्टर मैर सवेरे शहर जाओ हाँ मैर सही हो जाता सवेरे शहर जाओ शहर जाके तो लियाओ शीट लियाओ तुम्हें पता मैंने खुद पसंद हैगी लेकिन हम तुम भी देखते हैं घर दे अल्लाह खैर करे अल्लाह मेरे भैन भाई दुआ करन कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए मास्टर बस और कोई टेंशन नहीं है बच्चे बस उस दिन लड़ाई जड़ी है वो ज़हन ते लग गया ना और कि मेरा मैर नहीं ठीक हो रहा मैर ते तो बार बार गल ही है कि पापा उन्होंने अपना लड़ दिया पा उधर नहीं जाना है मेरे मैर की मैं बड़ी टेंशन रहती साहब अच्छा कोई गल नहीं अल्लाह तला टेंशन दूर करेगा थोड़ा सैट होता ना स्कूल जान लगता ना तो टेंशन खत्म हो जाएगी नाले वो करना तो ना तुम आते ना वो लैके आइए टाफियाँ पैक उठे ਟਾਫੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹਾਂਜੀ ਵੰਡਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਰ ਦਾ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੰਡਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪੋ ਦਾਦੀ ਘਰੋਂ ਉਤਰੋ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਾਫੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਫੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਲਕਾ ਇਹਦਾ ਟੱਕਣ ਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ तकरीबन शाम का टाइम हो गया जी साढ़े को सूरज ग्रुप होने के करीब आ गया तो बच्चे भी माशाल्लाह उठ के जलेबियाँ खा के तो बाहर निकले जहर हाँ जी फालिए तेनू फालिए जहर तो इतने बैठा वा जहर भी फाड़ दे हरम रानी हरम बाहर निकल गई है शुक्र है मेरा पुत भी साइकिल लैके बाहर निकलिया मैरे पापा दो अच्छा जी शुक्र शुक्र है शुक्र है भाई भी बाहर गया दे मैर बेटे दम करा के ते घर आ गए हैं जे को दम करा के बंदे को दसे बहुत सख्त नज़र लगी हुई है इनू कि रंग ही दसन लिया हो बहुत सख्त नज़र लगी है मैर बेटे
ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸਮ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਚਨ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਯਾਰ ਘਟਾ ਲਵੋ, ਬਰਤਨ ਨਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹ ਤੁਲਾ ਲਏ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ। ਆਲੂ ਮੂੰਗਰੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧਨੀਆ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਕੱਟ ਖਾ ਲਈਏ ਚਾਹੇ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ। ਬਲਬ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਬਲਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਦੋ ਨਵੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਬ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।